फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3A पेज नंबर 3.13 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एट बिगिनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर रिक्रूट द एक्सपीरियंस पर्सन एक्सपीरियंस यानी ट्रेस वर्कमैन यानी वाई फॉर दिस फॉर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल नाइन से ज्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर सकते नॉट मोर देन नाइन नाइन या नाइन से कम नाइन या नाइन से कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन नाइन एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटीज आंसर विल बी बी एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू नाइन एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो एक्स एंड वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकते नॉट मोर देन बोला है नॉट मोर देन नाइन या नाइन से कम स्प्लिट द सेकंड On average experienced person does 5 units of work. Experience बंदा है ना वो 5 unit produce कर रहा है यानी experience यानी x यानी 5x. Press 1-3 units of work daily. Yes sir, that is why 3 units. But the employee has to maintain output at least 30 units, यानी 30 और उससे ज़्यादा, at least 30 units per day. The situation can be expressed as below. X is greater than equal to 0, Y is greater than equal to 0. 5X plus 3Y greater than equal to 30, X is greater than equal to 0, and Y is greater than equal to 0. Third. Rules and regulations demand that employers should employ not more than 5 experience. याद रखो friends, बड़े को divide करो. Experience ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा है? Experience. Not more than 5 experience to one phrase. Phrase आपका one. Experience x by 5 रखोगे तो equal हो जाएगा. समझो y एक है तो x 5 चलेगा. पांच की जगह चार है तो कोई दिक्कत नहीं है छह नहीं हो सकता है मोर देन फाइव नॉट अलाउड मोर देन फाइव नॉट अलाउड यहाँ पे टू है तो टेन चलेगा इलेवन नहीं नाइन एट सेवन सिक्स चलेगा तो ग्रेटर देन कौन होगा समझो यहाँ पे नाइन रखो आप नाइन बाई फाइव यहाँ पे टू तो चाहिए तो ग्रेटर देन क्या हुआ वाई हुआ पैसा ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है पैसा दस रखो एक्सपीरियंस जीरो रखो कोई दिक्कत नहीं है बेचारे पैसे को जॉब तो मिलनी चाहिए ना वैसे भी घूमते फिरते हैं तो फेसर को आप संभालो फेसर ज्यादा रखो नहीं नहीं हमें तो एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए चाहिए तुझे फाइव टाइम से ज्यादा नहीं इतना बहुत हो गया ना पांच एक्सपीरियंस एक फेसर मैक्सिमम फेसर एक मैक्सिमम एक्सपीरियंस फाइव इसलिए बड़े को डिवाइड करो जो ज्यादा अलाउड है उसकी वगैरह देना होगा अलाउ क्या ज्यादा है फेसर ज्यादा अलाउड है फेसर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस रख सकते हो लेकिन फेसर एक है तो एक्सपीरियंस पांच से ज्यादा अलाउड नहीं है समझो आपका फाइव एक्सपीरियंस और फेसर वन तो इक्वल टू हो गया अभी यहां पे छह नहीं कर सकते आप यहां पे आप टू कर सकते हो इसीलिए फेसर की ओर ग्रेटर देन आएगा फेसर की ओर ग्रेटर देन आएगा रिपीट कर रहा हूं बार बार बोल रहा हूं मैं नॉट मोर देन फाइव एक्सपीरियंस टू वन फेसर ये आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए ये ज्यादा तो चलेगा ग्रेटर देन वाई की ओर बड़े को डिवाइड ग्रेटर देन जो ज्यादा अलाउड है वो वाई ग्रेटर देन अलाउड एक्सपीरियंस को डिवाइड करो एक्सपीरियंस को डिवाइड करो सी तो दो आंसर है ए एंड सी x by 5 5 को सामने ले जाओ तो 5y greater than or equal to x now next fourth the union however forbid him to employ less than 2 experience person to each fresh person देखो यूनियन ने मना बोला है forbid क्या मना बोला है employ less than 2 experience person to each fresh person दो से कम मना बोला है फोरबिड लेस देन टू फोरबिड यानी कोई भी नो एक एक्सपीरियंस के सामने दो से कम सॉरी एक फ्रेशर के सामने दो से कम एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए रीड द लाइन फोरबिड हिम टू एम्प्लॉय लेस देन टू एक्सपीरियंस टू ईच फ्रेशर फोरबिड यानी मना
लेस देन टू की मना बोला है, फेसर वन है, एक्सपीरियंस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चलेगा, लेकिन फेसर टू है, एक्सपीरियंस तीन नहीं चलेगा, टू टाइम से ज्यादा, टू टाइम से ज्यादा, कौन ज्यादा चलेगा? थर्ड एमसीक्यूज में फेसर ज्यादा चलता था, यहाँ पे फोर्थ एमसीक्यूज में आपको एक्सपीरियंस ज्यादा चलेगा, एक्सपीरियंस ज्यादा चलेगा तो ग्रेटर देन एक्सपीरियंस क्यों होगा? नॉट लेस देन टू उसको प्रोहिबिट किया है, यानी मोर देन टू अलाउड है, मोर देन टू अलाउड है, बड़ा कौन है? एक्सपीरियंस वाला ही है, उसको डिवाइड टू कर दो, जो बड़ा उसको डिवाइड करो तो इक्वल टू होगा ना, बड़े को डिवाइड करो, जो ज्यादा अलाउड है उसको ग्रेटर देन करो, ये याद रखो तो हो जाएगा, बड़े को डिवाइड करो, दोनों एमसीक्यू में बड़ा एक्सपीरियंस ही है, एक्सपीरियंस को डिवाइड करो, थर्ड एमसीक्यू में फ्रेशर ज्यादा अलाउड था, ग्रेटर देन फ्रेशर क्यों रखो? फोर्थ में एक्सपीरियंस ज्यादा अलाउड है तो आप ग्रेटर देन एक्सपीरियंस क्यों रखो? नेक्स्ट, ये वो आपका आंसर, एक ही आंसर है बी, बी के बाद लेट मी सी फिफ्थ, x plus y less than or equal to 9, यानी x भी 9, y भी 9, 9 9 ले लो, लाइन कनेक्ट करो, जीरो सेटिस्फाइड होता है, जीरो क्यों डायग्राम होगा? नाउ 6 में 5x plus 3y greater than or equal to 30, x 0, y 10, y 0, x 6, y 0, x 6, 10, 6 कनेक्ट किया, जीरो जीरो रख दिया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ऊपर की ओर आपका पूरा डायग्राम आएगा, सेवन, ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटीज y इज लेस देन और इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू 1/2x, x 0 then y 0, then x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, let me see 0 0 point and when y equal to 5 x equal to 10 somewhat here nearest direction is important देखो 0 0 point यहां जब आप 0 0 में से लाइन पास होती है ना तब 0 0 point नहीं ले सकते लाइन के अलावा का पॉइंट लेना पड़ता है तो यहां पे x होगा माइनस और y होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 x की वैल्यू रख दो माइनस वन y की वैल्यू रख दो वन इज इट करेक्ट नो माइनस वन वन बाई टू वन से बड़ा नहीं है तो अपोजिट साइड में आपका डायरेक्शन आएगा ये करेक्ट हो जाता तो सेम डायरेक्शन करेक्ट नहीं है देखो y की वैल्यू वन है x की वैल्यू वन बाई टू एंड वन तो ये करेक्ट नहीं है तो पॉइंट की रिवर्स साइड डायरेक्शन पॉइंट उल्टी साइड पॉइंट के सामने की साइड आपको डायरेक्शन ड्रॉ करना है एट में कॉमन रीजन दिया हुआ है एबीसीडी में आपको आंसर पूछा है देखो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड L1 एंड L4 वो 0-0 लाइन पॉइंट पसंद कर सकते L1 एंड L4 के लिए ये L1 है 0-0 का करेक्ट हुआ नहीं हुआ 0 प्लस 0 वो क्या 30 से बड़ा है नहीं तो आपका L1 जीरो की ऑपोजिट साइड जाएगा L1 है वो जीरो की ऑपोजिट साइड ये डायरेक्शन आपको दिया हुआ है तो ये आपका L1 है उसमें ये साइन होना चाहिए वो आंसर आप ढूंढो कौन से आंसर में 5x plus 3y greater है तभी वो डिसेटिस्फाइड होगा तभी ये डिसेटिस्फाइड होगा तो रिवर्स जाएगा फर्स्ट सेकंड x plus y less than or equal to 9 0 0 सेटिस्फाइड होता है L2 0 0 सेटिस्फाइड हो रहा है आपके लिए ये L2 में जो सेटिस्फाइड हो रहा है तो नीचे आएगा पूरा डायरेक्शन तो L2 में ये साइन होना चाहिए जीरो है उससे नाइन बड़ा है जीरो है उससे नाइन बड़ा है तो नाइन की ओर ग्रेटर देन होना चाहिए नाइन की ओर ग्रेटर देन
होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में देखो, 90 और ग्रेटर देन है, तो भी ऑप्शन में ही है। पहले ऑप्शन में करेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी साइन सिलेक्ट करो कि 00 रखने से करेक्ट ना हो। तो आंसर कौन से में है, 1। तभी ये 00 तो अपोजिट है क्या, L1 00 के अपोजिट साइड है, 00 रखने से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, और L2 सेटिस्फाइड होना चाहिए। L2 0 की ओर है, इसीलिए यहाँ पे आप 9 पे ग्रेटर देन रखो, यहाँ पे 5s+3y पे ग्रेटर देन रखो। अभी थर्ड फोर्थ इक्वेशन में आप -1 and 1 ले लो, x-1 and y-1। क्यों थर्ड एंड फोर्थ है ना, वो 0-0 में पास आउट लाइन है। थर्ड देख लो, y > x/3, यस 1 > 1 -1/3। क्यों, x यहाँ पे -1 है और y यहाँ पे 1 है, तो करेक्ट हुआ। करेक्ट हुआ तो आपका L3 का लाइन है वो पॉइंट की हो जाएगा, -1 1 की हो जाएगा, -1 1 की हो जाएगा। L4 में वो पॉइंट हो तो इनकरेक्ट होना चाहिए, तभी ये डायरेक्शन होगा ना। L3 में करेक्ट होना चाहिए, L4 में इनकरेक्ट होना चाहिए, तो ये रिवर्स डायरेक्शन होगा। L4 देखो, y = 1 x = -1/2, ये गलती है, गलत है, तो इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन आएगा। बी विल बी आंसर। फ्रेंड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट दीजिए, दे दिया है आपको, सिर्फ फाइंड क्या करना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो पॉइंट जो 0-0 में से पास आउट होता है उसके लिए -1 1 की वैल्यू रखो, y = 1 x = -1, सेटिस्फाइड होता है तो सेम डायरेक्शन, नहीं होता है तो रिवर्स डायरेक्शन। हम कौन सी साइन सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो L4 है वो रिवर्स डायरेक्शन है, L4 है वो रिवर्स डायरेक्शन है, तो ये साइन सिलेक्ट करोगे तो गलत होगा। L4 में गलत होना चाहिए, L3 में करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट की ओर डायरेक्शन है, पॉइंट की ओर डायरेक्शन होना चाहिए। L3 में करेक्ट होना चाहिए, L4 में इनकरेक्ट होना चाहिए, ऐसा आप ग्रेटर देन और लेस देन सिलेक्ट करो। और फर्स्ट लाइन में इनकरेक्ट होना चाहिए, 0-0 लिया ना हमने, और सेकंड में करेक्ट होना चाहिए, 0-0 की ओर ही डायरेक्शन जा रहा है। रिमेंबर फर्स्ट स्टेप क्या है, अब 0-0 पॉइंट करो, 0-0 रख के देखो डायरेक्शन 0-0 की ओर है, तो ऐसी साइन सिलेक्ट करो जहां करेक्ट हो। डायरेक्शन 0-0 के ऑपोजिट है तो ऐसी साइन सिलेक्ट करो कि इनकरेक्ट। जब 0-0 पॉइंट इटसेल्फ ऑफ द लाइन एंड सिलेक्ट -1 x and y1, पॉइंट की ओर डायरेक्शन है तो करेक्ट हो ऐसा साइन सिलेक्ट करो, पॉइंट की ऑपोजिट साइड है तो करेक्ट ना हो ऐसा साइन सिलेक्ट करो। फ्रेंड्स पेज नंबर 3.16 एमसीक्यू सेकंड, रीड द क्वेश्चन। आपका वेट बढ़ गया, आप डाइटिन के पास गए, विशेष टू विश टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड, इनमें दो ही चीज खाने की है, पंजाबी चाइनीज भूल जाओ, मूंग पपैया, ऐसे ही खाने का, टू काइंड्स ऑफ फूड्स ओनली, सो दैट विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर इज एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ ए, एटलीस्ट यानी 9 और 9 से ज्यादा चलेगा, 7 यूनिट्स ऑफ बी, 7 और 7 से ज्यादा चलेगा, 10 यूनिट ऑफ सी एंड 12 यूनिट ऑफ डी, उससे ज्यादा है तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड सोन बिलो, देखो फूड 1 को x अज्यूम करो, फूड 2 को y अज्यूम करो, विटामिन ए एक्स में कितना है 2, वाई में कितना है 1, विटामिन बी एक्स में कितना है 1, वाई में कितना है 1, बड़ो क्वेश्चन में दिया है, सी में फूड 1 में 1 एंड 2 में 2, डी विटामिन फूड 1 में 2 एंड फूड 2 में 3। देखो कंफ्यूजन क्या होगा आपका, एक तो कंफ्यूजन ग्रेटर देन रखना है वो याद रखना, उससे ज्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा। फूड 1 एंड 2 एक्स एंड वाई उसको कॉलम में रखो, लिमिट किसकी दी हुई है, एबीसीडी की, तो उसको रो में रखो, जिसके लिमिट है रिस्ट्रिक्शन है मर्यादा है उसको आप रो में रखो, एबीसी रो में रखो, एक्स वाई को कॉलम में रखो, फूड एक्स वाई है और ग्रेटर देन चलेगा लेस देन नहीं, ज्यादा चलेगा कम नहीं, क्वेश्चन इजी है, मिस्टेक का चांसेस है मोस्ट इंपोर्टेंट, विटामिन ज्यादा चलेगा इसलिए सब ग्रेटर देन आया, रिस्ट्रिक्शन विटामिन का था एबीसीडी तो उसको रो में रखा आपने,
फूड वन में से कितना, टू में से कितना, वो फिगर दिए हुए हैं और आपका इनइक्वालिटी हो गया। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x एंड y। थर्ड, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस आर ड्रॉन बिलो, कौन सा आंसर है वो आपको देखना है। देखो यहां पे इजी कोइंग है, बहुत इजी कोइंग है, ग्राफ देख के मालूम पड़ जाएगा। 0 पॉइंट ले लो, सभी लो 0, सभी पॉइंट है ना, सभी लाइंस है, लाइन 1 2 3 4 सब ऊपर ही जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में दिया है, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये दिया हुआ है, इक्वेशन भी दिए हुए हैं। 0 पॉइंट में सब डिसेटिस्फाइड, सब लाइन ऊपर ही जा रही है, तो 0 रखते जाइए। ये डिसेटिस्फाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, तो ही आपका इनकरेक्ट होगा। यहां पे भी 0 यहां पे भी 0 सब जगह ग्रेटर देन अब हो गया ना, तो ही डिसेटिस्फाइड होगा, सभी इक्वेशन ग्रेटर देन आएंगे, सभी इक्वेशन ग्रेटर देन आएंगे तो ही 0 पॉइंट में सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ही ऊपर डायरेक्शन जाएगा। इसी एमसीक्यू से बच्चों को टफ लगता है, डायरेक्शन दो, देखो पॉइंट की ओर है, पॉइंट की ओर नहीं है, सब उल्टा है, तो पॉइंट रखने से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, पॉइंट रखने से इनकरेक्ट होना चाहिए। यहां पे 0 रखोगे तो ग्रेटर देन करोगे तो ही इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ में भी आपको डायरेक्शन ड्रॉ करने का बोला है, यानी कॉमन रीजन पूछा है। 3x plus y greater than equal to 6, देखो यहाँ पे x and y रखते हैं, x 0 तो आपका y 6 आएगा, y 0 तो x 2 आएगा, x 0 y यहाँ पे 6, y 0 x 2 119 आएगी। अभी देखो यहाँ पे 0 रखोगे ना तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसीलिए 0 के ऑपोजिट साइड है ये डायरेक्शन, देखो 0 के ऑपोजिट साइड है, 0 की ऑपोजिट साइड है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे x एंड y, x 0 y 4, y 0 x 4, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, ये हुआ l, 0 रखो सेटिस्फाइड नहीं होगा, l2 भी उल्टा, l2 भी 0 के ऑपोजिट साइड, यहाँ पे x एंड y, x 0 y 2 y 0 x 6, x 0 y 2 y 0 x 6 l 3, यहाँ पे भी 0 रखो सेटिस्फाइड नहीं होगा, l 3 में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, सुन कोई हो जाए सही है, l 3 भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब l 4, x एंड y, x 0 y 6 y 0 x 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, L4, यहाँ पे 0 सेटिस्फाइड होगा, 0 प्लस 0 6 सेटिस्फाइड होगा, L4 0 की ओर आएगा, L4 एक है ना वो 0 की ओर आएगा, L4 सेटिस्फाइड होगा, L4 सेटिस्फाइड होगा, बाकी के सब सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक L4 है ना उसका डायरेक्शन ही पुष्टि, L4 है ना उसका डायरेक्शन ही 0 की ओर आ रहा है, बाकी का सब ऑपोजिट साइड जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0 सेटिस्फाइड सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में होगा। पहले लाइन ड्रॉ करो, पहले 0 पॉइंट लो, सेटिस्फाइड है तो पॉइंट की ओर, नहीं है तो सामने की ओर, यहाँ पे L4 एक में सेटिस्फाइड हो रहा है। देन फिफ्थ, पेज नंबर 3.17, गिव द क्वेश्चन, रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्स by inequality। देखो ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है वो बिलो यानी 0 की ओर जा रहा है, दूसरी लाइन है वो 0 के ऑपोजिट हो जा रहा है, यहाँ पे आप देखो सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, 0 डायरेक्शन करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, x1 x2 less than or equal to 2, अभी 2x1 plus 2x2 greater than or equal to 8 है, तो क्या करो 2 कॉमन निकाल लो, x1 plus x2 greater than or equal to 4, अभी देखो यहाँ पे आप 0 रखोगे सेटिस्फाइड नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए फर्स्ट लाइन जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए 0 में, सेकंड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में 0 में सेटिस्फाइड करने के लिए आपको x1 plus x2 less than रखना है, 2 is greater than, और यहाँ पे 0 है वो 4 से ग्रेटर रखोगे तो इनकरेक्ट होगा,
चलो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा और यहाँ पे लेस देन आएगा, तो ये डायरेक्शन आप कर पाओगे, लाइन वन में सेटिस्फाइड होगा, लाइन टू में डिससेटिस्फाइड होगा। सिक्स वेरी इजी पॉजिटिव एरिया बोला और कुछ है ही नहीं। सिक्स का फर्स्ट देखो, एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये एरिया बोला है पॉजिटिव एरिया एक्स वन एक्स टू का। सेकंड, सेकंड में आपका डायरेक्शन अपोजिट है, देखो जीरो जीरो क्यों नहीं है, यहाँ जीरो प्लस जीरो का मतलब इनकरेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट का ग्रेटर देन साइन करोगे तो, इनकरेक्ट कब करोगे, ग्रेटर देन साइन करोगे तो, इसीलिए ग्रेटर देन करोगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगा, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। थर्ड, समथिंग इज गुड इन थर्ड, इनइक्वालिटीज माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, एक्स वन को सामने ले गया, एक्स टू इक्वल टू एक्स वन बाई टू, दो पॉइंट फाइंड करने के लिए एक्स वन जीरो एक्स टू जीरो, एक्स वन एट एक्स टू फोर, चलो ये जीरो जीरो पॉइंट आपका एक्स वन एट आएगा, एक्स टू फोर आएगा, ऐसा कोई पॉइंट आएगा लाइन कनेक्ट करो। अभी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जीरो जीरो पॉइंट नहीं ले सकते, जीरो जीरो पॉइंट नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे एक्स वन माइनस वन एक्स टू वन लेना है, एक्स वन माइनस वन एक्स टू वन, इसी इक्वेशन में माइनस एक्स वन था, माइनस एक्स वन था उसकी जगह पर एक्स वन की जगह आप क्या रख दोगे माइनस वन, एक्स टू की जगह पे वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा वन प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इनकरेक्ट 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 है, तो ये पॉइंट की रिवर्स साइड डायरेक्शन आएगा, पॉइंट की रिवर्स साइड डायरेक्शन आएगा, ऐसा पॉइंट लेना है जो लाइन का पॉइंट ना हो, इसीलिए जीरो जीरो नहीं ले सकते, माइनस वन वन लिया, एक्स है वो माइनस वन है, एक्स टू है वो वन है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो रिवर्स डायरेक्शन होगा। सेवंथ, पेज नंबर 3.19 आपको एक डायग्राम दिया है, डायरेक्शन दिया है, आज सब पूछा है आपको, देखो एल वन है दैट इज एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, एल वन एल टू नो इश्यू ग्रेटर देन जीरो ही है, एक्स टू भी ग्रेटर देन जीरो है एंड एक्स वन भी ग्रेटर देन जीरो है, ये पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया। एल थ्री देखो, एल थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो जीरो आपका तो करेक्ट नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट, ये पॉइंट लिया ना हमने एल थ्री के लिए, हमने ये पॉइंट लिया तो इनकरेक्ट होना चाहिए, तभी इसका डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन तो रिवर्स चाहिए। इनकरेक्ट कब होगा, जब हम एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन लिखेंगे तो, एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन वन लिखेंगे तो इनकरेक्ट होगा, तो जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में डायग्राम जाएगा। फोर्थ, यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, जीरो जीरो रखोगे ये भी इनकरेक्ट होगा, एल फोर बी जीरो जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एल फोर बी जीरो जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एल थ्री जीरो के अपोजिट डायरेक्शन, एल फोर जीरो के अपोजिट डायरेक्शन, एल फाइव में जीरो जीरो नहीं ले सकते क्योंकि एल फाइव जीरो जीरो में पास आउट होती है, इसीलिए मैंने एक्स माइनस वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस वन एक्स टू प्लस वन एक्स वन माइनस वन एक्स टू प्लस वन वैल्यू रखा तो माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू थ्री, थ्री जीरो से छोटा है, थ्री जीरो से छोटा है तो ये भी पॉइंट में करेक्ट नहीं होगा तो रिवर्स साइड डायरेक्शन आएगा। डायरेक्शन दिया है अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन रखना है यहाँ लेस देन रखना, ये माइनस वन वन थ्री है ऐसे रखोगे तो इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा तो ही रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए आपको ये सब के सोचना है क्या करना है भाई, करेक्ट नहीं करना है इनकरेक्ट करना है तो ऐसे रखो। लाइन का पॉइंट जीरो जीरो है इसलिए हमने माइनस वन एंड वन लिया है। एट, बहुत इजी मशीन वन टू दे दिया है आपको, मशीन वन टू के मैक्सिमम अवेलेबल टाइम दे दिया है, देखो बच्चे में पूछते हैं सर जी इसमें एटमोस्ट एटलीस्ट नहीं दिया है, एटमोस्ट दे दिया है, आपके पॉकेट में दस रुपए हो गए, आप अंदामान निकोबार नई जगह कुछ परचेस करने जाओगे कोई पहचानता नहीं होगा,
आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है 10 घंटा चलती है तो मैक्सिमम कितना यूज करोगे 10, 9, 8, 7 मशीन चलता ही नहीं है आपका 36 से ज्यादा चलता ही नहीं है 50 से ज्यादा एट मोस्ट इज गिवन एट अवेलेबल टाइम एंड एट मोस्ट इसलिए लिमिटेशन एमोन को दिया है मशीन में रिस्ट्रिक्शन है उसको रूम में रखा है डायरेक्ट 3x1 3x2 लेस देन और इक्वल टू 36 प्रोडक्ट ए एक्स वन प्रोडक्ट बी एक्स टू सेकंड 5x1 + 2x2 लेस देन और इक्वल टू 50 2x1 + 6x2 लेस देन और इक्वल टू 60 और प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है इसीलिए x1 > 0 x2 > 0 9th एमसीक्यू देखो L1 आपको दिया है x1 + x2 = 12 आपको डायग्राम ड्रॉ करना इस लेवल पे आता है इसलिए मैं डायरेक्टली 12 में लिख देता हूं डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट यहां पे मैं 0 + 0 लिखूंगा तो करेक्ट होगा तो डायरेक्शन कहां पे जाएगा सॉरी करेक्ट है 0 की तरफ जाएगा 0 की तरफ जाएगा नीचे जाएगा सभी में देखो 0 0 करेक्ट ही हो रहा है सभी में देखो 0 0 करेक्ट ही हो रहा है 0 + 0 सभी में करेक्ट है 0 0 पॉइंट क्यों सभी का डायरेक्शन होगा सभी में 0 0 क्यों होगा तो हमारा पॉजिटिव एरिया लेना x1 x2 तो यही एरिया आपका कॉमन रीजन में आएगा यही एरिया आपका कॉमन रीजन में आएगा लेट मी सी 9 x1 + x2 सभी में 0 0 पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए सभी 0 0 की ओर डायरेक्शन हमने रो किया है लाइन कनेक्ट करना है आपको 5 एंड 5 पे L1 ये 5 है 5 एंड 5 पे लाइन कनेक्ट करना है L1 0 + 0 रखो तो सेटिस्फाइड होगा 0 की ओर में डायरेक्शन आएगा तो इसका डायरेक्शन नीचे आएगा ये L1 9 है ये 5 पॉइंट है नाउ x = 0 y = 4 x = 0 x = 8 अभी देखो यहाँ पे हम 0 0 रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगा L2 भी 0 की ओर ही आएगा L2 है वो भी 0 की ओर ही आएगा फिर इसका डायरेक्शन भी 0 की ओर ही आएगा L3 x = 0 y = 4 y = 0 x 12/4 यानी 3 0 यहाँ पे मैं 0 0 रखूंगा तो सेटिस्फाइड नहीं होगा इसका मतलब इनकरेक्ट हुआ इसीलिए L3 रिवर्स डायरेक्शन 0 0 में नहीं रिवर्स डायरेक्शन L1 L2 0 0 के डायरेक्शन में L3 रिवर्स डायरेक्शन में इसलिए इतना जो एरिया है वो आपका कॉमन रीजन होगा फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच बने रहे मेरे साथ डिटेल वीडियो सुनिए पहले से सुनिए फर्स्ट लेक्चर से सुनोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर दिस वीडियोस थैंक यू वेरी मच